और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें चुनावों से जुड़ी। हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल और इनेलो का गठबंधन हुआ है। शिरोमणि अकाली दल और इनेलो मिलकर इस वक्त विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो एक बार फिर से हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल और इनेलो का गठबंधन हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज की आपको हम बता रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से। साल 2014 में भी ऐसा ही देखने को मिला था और एक बार फिर से, हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। शिरोमणि अकाली दल और इनेलो मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, दलजीत सिंह चीमा ने जो ट्वीट किया है वो आपको हम यहां पर दिखा भी रहे हैं। दलजीत सिंह चीमा का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन की बात लगातार चल रही थी वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अब इनेलो के साथ ताल ठोकेगी शिरोमणि अकाली दल। इनेलो के साथ ताल ठोकेगा। कुलविंदर कुणाल रतिया से नामांकन भरेंगे। नामांकन में सुखबीर बादल और ओपी चौटाला के साथ रहने की खबरें सामने आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से इस गठबंधन पर मुहर लगी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इनेलो के साथ में आईएनएलडी के साथ में पहले से ही अकाली दल के रिश्ते हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इनेलो के साथ में मिलकर के, लेकिन एसवाईएल को लेकर के गठबंधन टूटा था, जिसके बाद में अगर बात की जाए तो बीजेपी को समर्थन अकाली दल करता है, लेकिन एक बार फिर से इनेलो के साथ में जो भागीदारी दिखाई है अकाली दल ने और जो उनके उम्मीदवार है अब उनके नामांकन भरने के लिए, यानी कि जो कालियावाली से उम्मीदवार है जिंदर सिंह जेसू, उनके नामांकन भरने के मौके जहां सुखबीर बादल मौजूद होंगे तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो प्रमुख है वो भी मौजूद होंगे। और इसी तरह से गुदा चीका से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और जो बाकी सीटें रहती हैं उनका उम्मीदवार, यानी कि इनेलो के साथ गठबंधन के बीच अब अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारेगा, सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा अकाली दल, ये कल ही सुखबीर बादल ने स्पष्ट कर दिया था। कहा जा सकता है कि एक बार फिर से अकाली दल पुराने रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी जो जमीन है उसको मजबूत करने या फिर कहें कि अपनी जमीन को फैलाने के लिए एक बार फिर से कोशिशों में है। बिल्कुल सुमित, क्या जानकारी है तो इनेलो की ओर से, क्योंकि आज ही हरियाणा में 64 सीटों का ऐलान किया गया है, पहली लिस्ट में 64 लोगों का नाम है, तो कितनी सीटें अब शिरोमणि अकाली दल के लिए छोड़ी जा सकती हैं? देखिए अभी तक तो सीटों को लेकर के ये स्पष्टता अकाली दल की तरफ से नहीं दिखाई गई है या कहें कि बताई। बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे